किस एंगल पे ग्लूगन हमारा स्टैंड रहता है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा अराउंड 36 के अराउंड है। हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो किसी भी सरफेस का एंगल मेजरमेंट और टिल मेजरमेंट इजली कर सकता है। बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है। इसमें हम लोगों ने MPU 6050 सेंसर्स का यूज़ किया है जो कि मोशन सेंसर होता है, और साथ ही साथ छोटे मोटे मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज़ किया है जो कि कोडिंग में हम लोग देखेंगे। तो समय न गवाते हुए हम लोग चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तो हमने ये माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड लिया है, माइक्रो कंट्रोलर को ग्लू लगाकर इस बोर्ड पे चिपका दिया है। हमने नॉर्मल स्क्रैप से ये कार्डबोर्ड उठाया है, उसी पे ही हम लोग प्रोजेक्ट असेंबल कर रहे हैं। और ये सेंसर जो है MPU 6050 सेंसर है, तो इसके पिन कनेक्शन मैं आपको दे दूंगा। इसका पिन कनेक्शन हमने किया है माइक्रो कंट्रोलर से। देखिए, इस तरह से कनेक्शन किया गया है। पावर सप्लाई, ग्राउंड, SCL SDA को कनेक्ट किया गया है। इसको माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ग्लू से मैंने चिपका भी दिया है। इसको काफ़ी सीधा रखना है, टेढ़ा ना रहे। आप कोशिश करिए कि सीधा रहे। बाकी छोटे मोटे जो टिल्ट होंगे उसको हम लोग एरर कैलकुलेट कर लेंगे। एरर कैलकुलेट करके उसको रिमूव कर लेंगे। ये हमने पिन कनेक्शन किया तो इसको पावर सप्लाई दिया और ये हमारा SCL SDA पिन से कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बनाया है। ये माइक्रो कंट्रोलर के सारे पिनआउट्स देखिए निकले हुए हैं। ये सिमिलर टू आर्डिनो आप कह सकते हैं। आर्डिनो में जैसे आप पिन कनेक्शन करते हैं वैसे ही यहाँ पर सारे पिनआउट्स हमने निकाल कर रखे हैं। साथ ही साथ क्योंकि आर्डिनो में आपको LCD शील्ड लगानी पड़ती है, यहाँ पर मैंने अपना LCD 16x2 लगाया है। यहाँ पर LCD शील्ड की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये मैंने बोर्ड बनाया हुआ है। इस बोर्ड में देखें तो यहाँ पर से हम लोगों ने पावर सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ से 12V 9V की सप्लाई आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे AC और DC दोनों सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो फिल्टर सर्किट है और जो रेगुलेटर सर्किट है। यहाँ पर ये क्या करेगा, 7805 लगा हुआ है जो कि 5V में कन्वर्ट करेगा। 5V में कन्वर्ट करने के बाद आउटपुट आएगा तो ये LED ग्रीन जलेगी। ओके, उसके बाद 5V माइक्रो कंट्रोलर LCD को मिलेगा। उसके साथ ही साथ ये हमारा सेंसर है MPU 6050 सेंसर है, इसको भी 5V हमें मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह से हुआ है। तो जो हमारा MPU 6050 सेंसर होता है ये माइक्रो कंट्रोलर के I2C कनेक्शन होता है, तो SCL और SDA पिन से कनेक्ट होता है और पावर सप्लाई हमने यहाँ से 5V उठा कर दिया है। बहुत ही अच्छा ये बोर्ड बनाया गया है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली कमिंग वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आप भी एक इफ़िशियंट अपना माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कोड समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, वायर लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है और LCD की लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है। LCD का पिन कॉन्फ़िगरेशन हमने डिफ़ाइन किया है जो भी पिन से कनेक्ट होंगे। उसके बाद ये जो हमारा एड्रेस है, ये MPU 6050 का हमारा एड्रेस है, तो I2C कम्युनिकेशन होगा। तो ये हमें एड्रेस पता होना चाहिए कि किस डिवाइस के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, LCD पे प्रिंट किया है टेकोस। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीरियल कम्युनिकेशन इनिशिएट किया है। सीरियल कम्युनिकेशन इनिशिएट करने के बाद हमने क्या किया है, ट्रांसमिशन स्टार्ट किया है। सो वायर लाइब्रेरी है तो ये I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 68 एड्रेस जो है MPU 6050 का सेंसर है तो उसका एड्रेस 68 होता है, तो यहाँ पर 68 हमने क्या किया है, पास आउट किया है। इसके बाद पावर मैनेजमेंट 1 रजिस्टर होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं 0। सारी चीज़ों को हम लोग सेट करते हैं 0 और ये हो जाता है हमारा एंड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एरर को कैलकुलेट करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, MPU 6050 को सबसे पहले स्टडी स्टेट में रखते हैं। एंड स्टडी स्टेट में रखने के बाद हम लोग सारे इटरेशन को कैलकुलेट करते हैं, मल्टीपल इटरेशन लेते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर एरर फंक्शन को, तो यहाँ पर देखिए तो XYZ डायरेक्शन में हमारा एसलेशन कैलकुलेट किया है। ओके, सो ये एसलेशन कैलकुलेट करने के बाद कितने टाइम्स हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ पर देखिए तो 250 टाइम्स कैलकुलेट किया और इसका एवरेज ले लिया है। ओके, तो सेम यहाँ पर क्या किया है, ट्रांसमिशन के लिए सेम चीज़। ओके, ये हमारा बताता है कि किस रजिस्टर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, डेटा फेच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो रजिस्टर है वो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए है, तो यहाँ से एड्रेस उसका हम लोग भेजेंगे। उसके बाद देखिए तो टोटल नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स कितने हैं, 6 हैं।
ओके, तो टोटल 6 रजिस्टर से डेटा लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा डेटा होता है 8 बिट के फॉर्मेट में होता है, तो 8 बिट के फॉर्मेट में होगा तो टोटल हमारे 6 रजिस्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमारा ले लेगा। बेसिकली यहाँ पे किया गया है कि 8 बिट डेटा को मर्ज कर लिया गया है, और ये हमारा स्केलिंग होता है, ये हमें डेटा शीट से मिलता है। जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसको हम लोग स्केल करते हैं, ये डिवाइड करते हैं 16384 से। ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, इसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है देन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर डिस्कस करूँगा। नाउ ये तो हो गया हमारा एरर पार्ट। ओके, नाउ कमिंग टू द मेन कोड। यहाँ पर क्या होता है, मेन कोड में सेम चीज़ है जो एरर पार्ट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स को रीड करते हैं, देन एक्स एंगल एंड वाई एंगल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो एक्स एंगल और वाई एंगल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने जो फंक्शन कॉल किया था कैलकुलेट एम पी यू एरर, इसमें हमारा एरर एक्स एरर और वाई एरर निकल कर आएगा। जो भी हमारा एरर निकल कर आएगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा मेन क्या होगा, एरर होगा। तो एरर जैसे ही इससे सब्ट्रैक्ट होगा हमारा वो एरर इससे निकल जाएगा, एंड देन हमारा करेक्ट वैल्यू हमें मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसको मैंने क्या किया, क्योंकि एक्सेलरेशन एंगल एक्स एंड एक्सेलरेशन एंगल वाई दोनों क्या है, फ्लोटिंग है, मैंने इसको रोल एंड पिच में भेज दिया है। बेसिकली डेसिमल वैल्यू मैं अवॉइड कर रहा हूँ, डेसिमल वैल्यू मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे डिग्रीज वैल्यू चाहिए फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर आप फ्लाइट के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप क्वाडकॉप्टर बना रहे हैं, ओके, तो उस केस में आपको डेसिमल वैल्यूज़ आप ले सकते हैं, काफ़ी एक्यूरेट डेटा रहेगा इन दैट केस। तो वहाँ पर आपको रोल और पिच प्रॉपरली आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले सकते हैं, बट यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टिल्ट मेजरमेंट करने के लिए, तो बट ठीक है। तो रोल एंड पिच मैंने लिया है, तो एक्स डायरेक्शन एंड वाई वाई कोऑर्डिनेट, ओके, दोनों के डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, रोल और पिच क्या होगा, वो हम लोग एलसीडी पे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर देखिए तो कमेंटेड सेक्शन में क्या है, ये जो है कमेंटेड सेक्शन है, बेसिकली मैंने इसको डिबग पर्पज़ के लिए डाला था। अगर मान के चलिए मैंने एलसीडी कनेक्ट नहीं किया है, केवल एम पी यू 6050 सेंसर कनेक्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो डेटा होगा सीरियल मॉनिटर पे आएगा और डिबग हम लोग कर लेंगे कि क्या डेटा हमारा आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो मैंने 300 मिलीसेकंड का डिले दिया है, उसके बाद एलसीडी को क्लियर किया है ताकि मेरा जो भी डेटा अपडेट हो प्रॉपर पोजीशन पे सही जगह पे आए। ओके, एलसीडी को क्लियर करते रहना ज़रूरी होता है। अगर आप ये क्लियर आप इस डिले के पहले दे देंगे तो क्या होगा, डेटा जैसे ही प्रिंट होगा तुरंत क्लियर हो जाएगा, उससे क्या होगा आपको विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं दिखेगी, क्योंकि लूप कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको डेटा प्रॉपर ना दिखे स्क्रीन पे, इसीलिए ये क्लियर जो है आपको डिले के बाद देंगे तो प्रॉपर डेटा विजिबल होगा। तो बहुत सिंपल सा और छोटा सा कोड है, समझना भी बहुत आसान है। एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए इसको पावर अप करते हैं एंड देखते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से काम करता है। अब देखिए तो ये हमारा क्या है, एक्स के अराउंड रोटेशन है और ये हमारा वाई के अराउंड रोटेशन है। तो ये हमारा एक्स के अराउंड रोटेशन है, तो हमारा एक्स का एंगल चेंज होगा अगर मैं इस तरह से रोटेट करूँगा, ओके, और मैं अगर इस तरह से रोटेट करूँगा तो वाई के अराउंड ये रोटेशन होगा, और देखिए एंगल हमारा किस तरह से चेंज होता जा रहा है। सबसे पहले हम लोग वॉल का मेज़र करेंगे, एंगल हमारा वॉल कितने एंगल पे टिल्ट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो वॉल अराउंड 90 डिग्री के एंगल पे है, वॉल हमारा टोटल 90 डिग्री है फ्लोर से। यहाँ पर एरर है, 1 डिग्री का एरर है, तो उसको इग्नोर हम कर सकते हैं। तो हमने अपने स्टैंड का भी एंगल मेज़र किया कि स्टैंड का एंगल कितना है, तो ये हमारा निकल कर आया 54। हमने ग्लूगन का भी एंगल मेजरमेंट कर लिया, एंगल किस एंगल पे ग्लूगन हमारा स्टैंड रहता है इसको भी हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा अराउंड 36 के अराउंड है ग्लूगन का। एरर इसलिए हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने इसको कार्डबोर्ड पे स्टिक किया हुआ है, सेंसर हल्का टिल्ट हो प्रॉपर सही ना हो, तो ये एरर हल्के आ सकते हैं, तो 1-2 डिग्री का डिफ आ सकता है।